स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश गुरु कोचिंग क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे पोइम माय गुड राइट हैंड। और ये आपकी जो पोइम है, ये राइटर चार्ल्स मैकी की पोइम है और ये स्कॉटिश पोइट है। तो आज इस पोइम में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से राइटर एक्सप्लेन करता है कि किस प्रकार वह जब ही वाज इन प्रॉब्लम दैट नो वन कैन हेल्प मी, किसी ने उसकी मदद नहीं की। एंड व्हाट वाज हिज व्यू, उसका व्यू क्या था, पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, उसने किस प्रकार से अपने आप को रेज किया प्रॉब्लम से, इसमें बताया गया। देखो इसमें हम पढ़ेंगे आप स्टार्टिंग में, आई फेल इन टू ग्रीफ। देखो यहाँ पर ग्रीफ जो वर्ड है, ग्रीफ यहाँ पर जो एक मीनिंग आया आपके सामने, यह आया है सैडनेस। ग्रीव का मतलब यहाँ पर सैडनेस है। हम यहाँ पर कुछ वर्ड भी पॉइंट आउट करेंगे ताकि पोइम का जो एक्सप्लेनेशन है वो हमको समझ में आ जाए। तो ग्रीव का मतलब यहाँ पर सैडनेस है, और सैडनेस किसके कारण है, सैडनेस है आपका ड्यू टू पॉवर्टी, गरीबी के कारण यहाँ पर उसको सैडनेस आया है। एंड कंप्लेन, यहाँ पर एक वर्ड आपके लिखा हुआ है कंप्लेन। कंप्लेन का मतलब यहां पर शिकायत करना है, बट यहां पर हम लिख सकते हैं टू एक्सप्लेन डिससेटिस्फेक्शन। डिससेटिस्फेक्शन, और यहां पर हम लिख सकते हैं शिकायत करना हिंदी में। और सैडनेस जिसको आप कह सकते हो कि एक दुखी अवस्था ड्यू टू पॉवर्टी। उसके बाद में लुक फॉर अ फ्रेंड, देखो अब लुक फॉर अ फ्रेंड, बट आई सोट का यहां पर हम लिखेंगे ट्राई टू फाइंड, ढूंढने की कोशिश की, तलाश करने का प्रयास किया, हिम इन वेन, इन वेन एक idiom से, और वहां और आपके सामने विदाउट सक्सेस, इसका मतलब आपको जो रखा है विदाउट सक्सेस, बिना सफलता के व्यर्थ, इसको आप बोल सकते हो व्यर्थ, ठीक है। उसके बाद कंपेनियंस वर शाई, देखो कंपेनियंस यहां पर जो यूज हुआ है, वो कंपेनियंस यहां पर जो वर्ड यूज हुआ है, ये इसके लिए आपका हुआ है कि फ्रेंड्स, कंपेनियंस उसके साथी थे, फ्रेंड्स थे, मैट्स, ठीक है। एंड एक्वेंटेंस, अब यहां पर एक्वेंटेंस जो वर्ड यूज हुआ है, तो एक्वेंटेंस यहां पर हम लिख सकते हैं AINTANCE। एक्वेंटेंस का मतलब यहां पर हम लिख सकते हैं कि फैमिलियर पर्सन, यानी कि जानकार, परिचित, ठीक है। गेट बी गुड काउंसिल, अब यहां हम पोएम के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो काउंसिल का मतलब यहां पर है केवल लिप सिंपैथी, केवल ओनली सलाह, जहां हम अब इसका मीनिंग लगाएं तो केवल लिप सिंपैथी, उन्होंने केवल सलाह जिसको सिंपैथी थी, एंड डीडेड देयर गोल्ड, यहां पर लिखा है पूरा डीडेड देयर गोल्ड, यानी इसका मतलब हुआ कि वो पैसा देने से डरते थे, अफ्रेड टू लैंडिंग देयर मनी, लैंडिंग देयर मनी। नाउ वी हैव टू स्टार्ट द पोएम, एक्सप्लेन इन डिटेल। I fell into grief, यहां पर मैं एक्सप्लेन करता है, I fell into grief, जब मैं मुसीबत में था, when I faced the problem and began to complain, और मैंने अपनी जो प्रॉब्लम थी dissatisfaction की, दुखी जो अवस्था थी मेरी, जब मैं गरीब हो गया, मैं प्रॉब्लम में फंसा, तो began to complain, तो मैंने कंप्लेन करना शुरू किया, मैंने लोगों को बताना शुरू किया
अपनी जो दुखी अवस्था थी उसके बारे में बताना शुरू किया। आई लुक फॉर ए फ्रेंड, मैंने एक मित्र की तलाश की। यहाँ पर ए फ्रेंड इसलिए आया क्योंकि उसे कोई एक ही ऐसा होगा जो उसकी हेल्प करेगा, कोई ना कोई एक तो होगा। तो देखो शुरू से पढ़ते हैं। आई फेल इन टू ग्रेफ, मैं जब मुसीबत में था, जब मैं दुखी हुआ, जब मैं प्रॉब्लम में था, बिगेन टू कंप्लेन, और जब मैंने अपनी दुखी अवस्था का वर्णन करना शुरू किया, बताना शुरू किया लोगों को, तो आई लुक फॉर ए फ्रेंड, तो मैंने एक मित्र की तलाश की, एक मित्र के बारे में पूछना। आई सॉट हिम इन वेन, तो मैं उसे ढूंढने में असफल रहा, मुझे वो नहीं मिला, मेरा प्रयास बिल्कुल व्यर्थ था। कंपेनियंस वर शाई, कंपेनियंस अब जो मेरे फ्रेंड्स थे, कंपेनियंस थे, वो शाई थे। शाई का मतलब यहाँ पर अगर हम मीनिंग लगाएं तो शाई का मतलब था कि वो मुझे मेरी हेल्प कर, उनको शर्म आती थी एक तरह से। अब कॉमन हम बात करें यहाँ पर, तो कंपेनियंस वर शाई, कंपेनियंस थे बिल्कुल शाई थे, वो मेरी मदद करना नहीं चाहते थे। एंड एक्वेंटेंस वर कोल्ड, और एक्वेंटेंस जो थे मेरे जो जानकार थे, परिचित थे, कोल्ड, कोल्ड का यहाँ पर हम मीनिंग है विदाउट फीलिंग, विदाउट फीलिंग्स, भावना शून्य, उनके मन में मेरे प्रति कोई भावना नहीं थी, वो भावना शून्य थे। दे गिव मी गुड काउंसिल, काउंसिल का मतलब सलाह, लिप सिंपैथी, उन्होंने मुझे काउंसिल तो दी, सलाह दी, बट डिडेड देयर गोल, लेकिन वो कुछ पैसे, कुछ धन देने से डरते थे। डिडेड देयर गोल, लैंडिंग देयर मनी, अफ्रेड टू लैंडिंग देयर मनी, वो कुछ पैसे देने से डरते थे। तो यहां